रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार यूरोप के दौरे पर रवाना हुए वजीर आजम मोदी, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस का करेंगे दौरा। आज जर्मनी के चांसलर से होगी मुलाकात। औरंगाबाद रैली में राज ठाकरे ने सीएम उद्धव और शरद पवार पर साधा निशाना। उद्धव सरकार को दिया 4 मई तक का अल्टीमेटम। मुल्क में लाउड स्पीकर पर घमासान जारी। यूपी में मजहबी मकाम से करीब 54,000 लाउड स्पीकर हटाए गए। रुक नेपाल में नवनीत राणा और उनके शौहर की जमानत अर्जी पर आ जाएगा फैसला। सनीचर की समाप्त के बाद कोर्ट ने महफूज रखा था फैसला। पटियाला तशद्दुद के मुलजिम बरजिंदर सिंह परवाना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। कल मोहाली से हुआ था गिरफ्तार। ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक पहुंचा बुलडोजर का मुद्दा। नॉटिंगम ईस्ट की पार्लियामेंट ने कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली के पाश इलाके सिविल लाइन्स में बुजुर्ग रियल एस्टेट कारोबारी का कत्ल। घर में घुसकर लुटेरों ने किया हमला। सीसीटीवी में भागते हुए कातलों की तस्वीर कैद। बंगाल के दुर्गापुर में बड़ा तैयारा हादसा टला। लैंडिंग के वक्त के तूफान में फंसा स्पाइस जेट का बोइंग 737। श्रीलंका में इक्तसादी बोहरान को लेकर लोगों का एहतजाज जारी। हजारों की तादाद में आवाम सड़कों पर उतरी। यूजीसी नेट के दरखास्त का अमल शुरू। जनरल क्लास के लिए दरखास्त की फीस 1100 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपए और एससी एसटी और माजूर के लिए 275 रुपए फीस। यूपी में 16 IAS अफसरान के तबादले। संजीव मित्तल बने राजस्व काउंसिल के चेयरमैन तो मनोज कुमार सिंह को यूपी का नया एपीसी बनाया गया। एसपी लीडर आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम समाअत। आज सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। सबसे बड़ा सवाल, क्या जेल से बाहर आ पाएंगे आजम खान। जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाप्त। मुस्लिम तबके के खिलाफ काबिल एतराज बयान को लेकर जमीयत उलमा ने दाखिल की है अर्जी। योगी हुकूमत का बड़ा फैसला, किसानों को कारोबारी बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग की 375 यूनिट होंगी कायम। चंदौली में हुए बवाल के बाद सैयद राजा थाने के इंचार्ज मुअत्तल। एएसपी को सौंपी गई जांच। छत्तीसगढ़ में नाफिज होगी पुरानी पेंशन स्कीम, कैबिनेट की मीटिंग में मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के सरकारी मुलाजमीन का बघेल सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा। 17 से बढ़कर 22% हुआ भत्ता। जमुई नगर परिषद ऑफिसर के ड्राइवर की दबंगई। महाराजगंज के बीच बाजार में खुलेआम सबके सामने बैंक मुलाजिम पर चलाई लाठी। लखीसराय में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दिया खुलेआम चैलेंज। 2 नौजवानों को सरेआम मारी गोली। पिपरिया थाना इलाके के रामचंद्रपुर गांव का हादसा, छानबीन शुरू। रूस यूक्रेन जंग का 68वां दिन। जंग के बीच यूक्रेन पहुंचे रूस के फौजी सरबराह। रूस के बड़े हमले की तैयारी। मारीपोल में रूसी फौज के टैंक का बड़ा हमला। रिहायशी इमारत पर टैंक ने किया हमला। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों का बड़ा दावा। चेचन लड़ाकों के चीफ रमजान कादिरोव ने कहा यूक्रेन के पोप्सनाया शहर को जल्द यूक्रेनी कब्जे से करेंगे आजाद। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स का कमाल। हाई स्कोरिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हराया। दिलचस्प मुकाबले में जीती लखनऊ। आईपीएल के 45वें मैच में दिल्ली को 6 रन से शिकस्त दी। और आज कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।